व्यक्तिगत राय है क्योंकि कश्मीर में जो जिस तरह का उग्रवाद चलता रहता है, जिस तरह की वहाँ की जनता का विश्वास हम जीत नहीं पा रहे हैं। जब किसी की जनता का विश्वास आप नहीं जीत पाओगे तो पड़ोसियों को हमारे यहाँ आने में आसानी रहती है, वो उसके साथ मिल जाते हैं। आप देखिए लास्ट कुछ दो एक सालों से आपने देखा होगा कि कश्मीर के लोगों पे हमारे प्रति और हमारे सरकार के प्रति एकदम विश्वास उठ गया है। अब वो जिस तरह का उग्र रूप लिया है उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता इसके पहले कभी हुआ होगा। अब मेरा कहना यही है कि सभी लोग मिलकर सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उनका विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए, जहां तक कि उनका विश्वास एकदम खत्म हो चुका है। और उसका आप देख रहे होंगे कि आप चाहे उनकी आंखें अंधी कर दो, चाहे बंदूकें चला दो, जबकि अभी गिलानी जी ने बोला था, मुझे याद है, कि आप यहाँ पे अगर सोने की सड़क भी बना दोगे तो भी हमें अपना फ्रीडम चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा धीरे धीरे एहसास होने लगा है, जो हमारी सरकार है उनको केयर नहीं कर पा रही है, उनकी मोहब्बती रिश्ता उनका टूट गया है। तो मुझे लगता है वो मोहब्बती रिश्ता और जज्बाती रिश्ता आपस में जोड़ने की जरूरत है। जब तक वो जुड़ेगा नहीं, लगता है आतंकवाद पे कंट्रोल हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो वही लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, वही लोग हैं, वही फिर आतंकवादी बन जाते हैं, वही फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे पे अटैक करते हैं। तो एक भाईचारे के रिश्ते को कैसे पनपा जाए, कैसे आपस में एक दूसरे के समन्वय बैठाया जाए, उनको हमारी सरकार के ऊपर और हमारे प्रति कैसे विश्वास हो, जब तक ये विश्वास होगा नहीं, ये आतंकवाद का समाधान नहीं हो सकता।